छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार आगजनी मामले में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के अरेस्ट होने का विरोध लगातार जारी है। उनके विरोध प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई से निकलकर दुर्ग की ओर जा रहे थे। इसी बीच बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को रोककर जबरदस्त नारेबाजी की, जिसके बाद भूपेश बघेल बहुत देर तक जाम में फंसे रहे। भूपेश बघेल ने बताया कि जैसे ही वे गाड़ी से उतरकर सिरसा गेट चौक पहुंचे थे, अचानक कुछ लोग सड़क पर आए और मार्ग रोक दिया। गाड़ी रोकने के बाद नारेबाजी भी की गई। वही सुरक्षा में जो कर्मचारी तैनात हैं, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। चौक में थे, सिरसा गेट चौक पे, अचानक वो सड़क पे आए, मेरा मार्ग रोके। गाड़ी रोकने के बाद वो नारेबाजी भी कर रहे थे और मेरे जो सुरक्षा में जो तैनात सरकार ने जो दिया है उन कर्मचारी अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। दो बार मुझे गाड़ी से उतरना पड़ा और बदतमीजी भी कर रहे थे और पीछे वाले गाड़ी को तो रोक ही लिए। तो इस प्रकार से शासन जो सुरक्षा दी है उसमें भारी सेंध, और यही सत्ता पक्ष के लोग जो बजरंग दल अपने आप को बता रहे थे, उनके द्वारा कल शायद भिलाई में कोई घटना घटी थी और वो कह रहे थे आतंकी हमला हुआ है। तो आतंकी हमला हुआ तो शासन प्रशासन से बोलो भाई, क्या मुझे क्यों बोल रहे हो? मुख्य बात यह है और ये टारगेट करके मैं यहाँ ना आ सकूं, इसलिए वो रोक रहे थे। तो सरकार इतनी डरी समी हुई है कि अब इस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।